रुद्राक्ष वेलफेयर सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी जो राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य से निर्मित हुई है, जिसका कार्य ही मानव सेवा को बढ़ोतरी देना है। ऐसा ही कार्यक्रम एक शाम और शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन कर इस सोसाइटी ने साबित कर दिया कि इसका मुख्य लक्ष्य राष्ट्रभक्ति से उत्पन्न कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है। बीते दिनों दीपावली के शुभ अवसर पर एक ऐसे ही कार्यक्रम का आयोजन रुद्राक्ष वेलफेयर सोसाइटी ने किया, तो तेलीबाग लखनऊ के निकट विशिष्ट पार्क से लेकर तेलीबाग चौराहे तक पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा के मुख्य अतिथि रहे RWS के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित श्रीवास्तव। लेकिन दिलचस्प बात तो ये रही कि इस कार्यक्रम में सैकड़ों RWS के कार्यकर्ताओं ने जब शरीक कर उन वीर सैनिकों को याद किया, तो उसी दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश मंत्री जो पूर्व में रहे वीरेंद्र तिवारी भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी शिरकत करते हुए RWS के युवा कार्यकर्ताओं का परजोर हौसला बढ़ाया। साथ कई कार्यकर्ताओं ने, यानी कि पूरे भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए उन वीर सैनिकों को याद किया जिन्होंने देश की रक्षा और सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये कार्यक्रम इतना दिलचस्प रहा कि इसको देखने वालों की संख्या भी हजारों में हो गई थी। वैसे ये कार्यक्रम विशिष्ट पार्क से लेकर तेलीबाग चौराहे, यानी लखनऊ के तेलीबाग चौराहे तक जाकर संपन्न हुई और साथ उन सभी सैनिकों को याद करते हुए आंखें नम करते हुए उनको एक एक दीपक भी अर्पित किया गया। मित्रों, वैसे भी इन सब कार्यक्रमों को देखते हुए आज जनतंत्र में आवश्यकता है ऐसे कार्यक्रमों की और ऐसे कार्यक्रमों को जागृत रखने की। दीपावली के शुभ अवसर पर ऐसे कार्यक्रम होने भी चाहिए। इस अवसर पर हमने रुद्राक्ष वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित श्रीवास्तव से बातचीत भी की। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को पूर्ण रूपेण संपन्न कराने के लिए, यानी सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए जो उन्होंने परिश्रम किया, उसमें रुद्राक्ष वेलफेयर सोसाइटी के पहली बार के मंडल अध्यक्ष आशीष प्रताप से भी हमने बातचीत की। युवा है, छोटी उम्र है, लेकिन रुद्राक्ष वेलफेयर सोसाइटी का जुड़ करना चाहता है। हमने पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित श्रीवास्तव से, फिर छोटे से युवा साथी आशीष प्रताप से बात की। आइए देखते हैं उनसे बातचीत के लिए प्रमुख नमस्कार, हम हाजिर हैं उस कार्यक्रम में जिस कार्यक्रम को आप सुनेंगे तो लगता है कि हाँ, ये राष्ट्रभक्ति का है। अभी कुछ देर पहले कुछ तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से आपने देखा किस तरीके से दीपावली का उत्सव तब्दील हो गया राष्ट्रभक्ति में और वीर सैनिकों को याद करने की एक कार्यक्रम हुआ। ये कार्यक्रम विशिष्ट पार्क वृंदावन में हुआ था। वो कार्यक्रम जो जिस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उन सैनिकों को वीरता को याद करने का था, जिसे कई लोग सुनते चले गए और ये कार्यक्रम हुआ था रुद्राक्ष वेलफेयर सोसाइटी के पैनल में। अब उसके आप उपस्थित हैं, हमारे उपस्थित हैं रुद्राक्ष वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आइए हम बात करते हैं कार्यक्रम के विषय पर और दीपावली किस तरह मनाई जाती है। आज का कार्यक्रम उसके पीछे का मूल उद्देश्य और कारण क्या था, क्यों हुआ ये कार्यक्रम, क्यों पूजा आपने सोचा कि आगे ऐसे कार्यक्रम। देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य था भारत की विविधता में देश में हर जाति के लोग हर तरह के त्योहारों को मनाते हैं। हमारा लोग सोचते हैं ये जो शहीद हो ये हर जाति में निकल जाए, हर त्योहारों पर निकल जाए, केवल दिवाली ही नहीं और भी जितने त्यौहार आगे चाहेंगे हम सब पे हम लोग चाहेंगे कि शहीद हो। कैंडल मार्च निकाला गया मैंने इसलिए बनाया कि हमारे यहाँ पे इस तरीके से लोग अलग अलग जाति
के अलग अलग हैं, तो हमारा भी एक उद्देश्य उसको मिलाए और अच्छी चीज़ों को जरूर दूसरों के सामने लाएँ। ऐसा लगा कि अच्छी चीज़ है, दिवाली का जब पर्व कल है, राम जी की याद मनाया जाएगा, दिवाली की खुशी मनाई जाए, लोग उसको देखें, भाई समझे कि किस तरह लोगों को एकजुट होकर हम चाहते हैं कि ईद बकरीद होली दिवाली सब एक साथ। आपके जुबान पर बार बार ईद बकरीद आ रहा है, नया लगता है? अच्छा एक चीज लाखा के क्वेश्चन, क्या लगता है कि इस तरीके से हम सब अंधकार से प्रकाश हो जाना चाहिए? वो इस दीपावली में राष्ट्र में लगता है कि जब कोई प्रण लेगी कि आप समाज को अंधकार से प्रकाश को ले जाने का हम ऐसा कार्यक्रम आगे चलाएंगे, कोई एक प्रण कोई है? अगर वो अच्छा है तो उसके लिए जी जान लगा देंगे, अगर वो खराब है तो फिर जी जान लगा देंगे। इस वजह से हमने पिछले साल भी किया था, इसलिए बहुत से लोग हैं जो आप बॉर्डर पे अभी भी हैं, दिवाली पर नहीं आ पाए घर, तो कहीं ना कहीं उनको भी तो चाहिए, बहुत लोग हैं जो वहीं शहीद हो गए, उसी दिन शहीद हो गए, लोगों को दिवाली नहीं मना, उनकी याद में जो है हमने निकाला। कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य यही था कि उन सैनिकों को उन वीर पुरुषों को याद किया जाए। आपने सुना कहीं ना कहीं रुद्राक्ष पेल सोसाइटी राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रहित की बात को आगे रखे, इस कार्यक्रम से भी ये साबित। आज के लिए इतना ही, कैमरामैन सुनील तिवारी के साथ एंटी करप्शन।